India observes Black Day to condemn Pakistan's 1947 invasion of Kashmir. India on Thursday observed October 22 as Black Day to highlight Pakistan's role in raids in Jammu and Kashmir in 1947, which brought in its wake horrifying stories of mass plunder and killings. A two-day symposium has been organized in Srinagar city of India's Jammu and Kashmir that aims to bring to light the historical narrative of the fateful day. The Indian government and various organizations on Thursday observed October 22 as Black Day to highlight Pakistan's role in raids in Jammu and Kashmir in the year 1947, which brought in its wake horrifying stories of mass plunder, killings and vandalism. A two-day symposium began in Srinagar city of India's Jammu and Kashmir on Thursday that aims to bring to light the historical narrative of that fateful day in 1947, when nearly 10,000 tribesmen backed by Pakistan Army invaded Kashmir to occupy it by force. Consequently, Indian troops were airlifted to Kashmir on October 26, and they succeeded in blocking the tribal raiders' advance. Kashmir aur Kashmiriyat par 22 October ko jo ghav diye gaye the uske piche pura ka pura Pakistani prashasan laga hua tha. Hame 22 October ki woh subah bhi nahi bhulni chahiye jab Pakistani fauj aur uske proxies ne ghadi Habibullah ko cross karke Muzaffarabad par hamla kiya. The tribal invasion of 1947 had resulted in nearly a third of the territory now known as Pakistan-administered Kashmir falling to the raiders. Refugees who were displaced remembered the day and held a protest against Pakistan in India's Jammu town on Thursday. October 22 is also marked as Black Day by people in illegally occupied Pakistan-administered Kashmir who have long blamed they are denied basic fundamental rights and are meted out with severe brutality for voicing their concerns. पाकिस्तानी सेना के छड़न अधिकारियों ने मिलकर
बिलगढ़ से लेकर तमाम बलेलम्बे क्षेत्र में भयानक अत्याचार किए थे। उन्होंने कोई पूजा स्थलों को नहीं छोड़ा और मुझे लगता है वो जघन्य दिन कश्मीरियत और कश्मीरियों के लिए काले दिन के रूप में रहा है। अक्टूबर के उस काले दिन के सच को जिस तरह से इन्होंने हम सबके सम्मुख रखा है, बसीर खान साहब ने भी अपने विचार रखे हैं। मैं समझता हूं कि ये दो दिन का एग्जीबिशन और इस सिंपोजियम के माध्यम से कश्मीरियत और कश्मीरी अवाम पर पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा किए गए जुल्म, हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए गए बर्बर अत्याचार की भयावह और गमगीन दास्तां निश्चित रूप से बयां करेगी। 73 सालों में पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन दर्द नहीं गुजरा। जो जख्म दिल पर लगे हैं वो आज भी ताजे हैं। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के नौजवानों को शायद न मालूम हो किस तरह से पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की फौज ने ऑपरेशन गुलमर्ग के जरिए हमारे बेगुनाह भाइयों का बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। इसलिए जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हम अपनी नई और पुरानी पीढ़ी को इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन के जरिए यह याद दिलाना चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, बेपनाह मोहब्बत, सूफिज्म की इस मिट्टी को पाकिस्तानी फौज के आकाओं मोहम्मद अली जिन्ना और उसके लश्कर ने किस तरह से 22 अक्टूबर के काले दिन को मासूमों के खूनों से रंग दिया था और सदियों से एक धागे में बंधे भाईचारे को नफरत में बदल दिया था। छीन के लेंगे जो हमसे टकराएगा। जो सीपैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रेल मार्ग और सड़क मार्ग बन रहा है, उसमें मेरे लोगों की जमीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम बोनाफाइड हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा। तो हम ये कहते हैं कि बनाने से पहले हमें पूछा जाना चाहिए था। पाकिस्तान का कोई लीगल राइट नहीं है उस पर, चाइना का कोई लीगल राइट नहीं है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ बना रहे हैं। इसको वर्ल्ड बैंक या जो भी लोग इसको सहायता दे रहे हैं उनको भी कहना चाहिए इसको रोकना चाहिए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाकर इसको रोका जाना चाहिए। और मेरे लोगों की ये डिमांड है कि उनके साथ इंसाफ हो और सरकार जल्द से जल्द उस इलाके को खाली कराए, और जब तक इलाके को खाली नहीं कराती तब तक पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मुकदमा होना चाहिए, उस जिसने हमारे 70,000 हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा एक योजना के तहत। और इसके अलावा जो मेरे लोग जो सीपैक बन रहा है उसको भी रोकने की डिमांड करते हैं कि भारत सरकार आगे बढ़कर इसको रोके। पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.